मीडिया पर अरिजीत सिंह का एक वीडियो आग की तरह वायरल हो रहा है। इस वीडियो को इंडिया और पाकिस्तान दोनों देशों की जनता से प्यार मिल रहा है। हाल ही में अरिजीत दुबई के एक कॉन्सर्ट करने पहुंचे थे। वहां रईस फिल्म का गाना जालिमा गा रहे थे, जिसे शाहरुख खान और मायरा खान पर फिल्माया गया था। अरिजीत परफॉर्म कर रहे थे, तभी वो गाते हुए अचानक से रुक गए। उन्होंने देखा कि ऑडियंस में पाकिस्तानी एक्ट्रेस मायरा खान भी थी। अरिजीत ने कहा कि वो काफी देर से उन्हें पहचानने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा, अगर मैं बताऊंगा तो आप लोग हैरान हो जाएंगे, मैं अच्छे ढंग से बताता हूँ, क्या हम उस तरफ कैमरा मोड़ सकते हैं, मैं इनको काफी देर से पहचानने की कोशिश कर रहा हूँ। फिर मुझे याद आया कि मैंने इनके लिए गाना भी गाया। लेडीज एंड जेंटलमैन, आपके सामने मायरा खान भी थी। मैं इनका गाना जालिमा गा रहा था, ये उनका गाना है, वो खड़े होकर गा भी रही थी और मैं फिर भी उन्हें नहीं पहचान पाया, मुझे माफ कर दीजिए मैम, आपका बहुत शुक्रिया। देखिए वो वीडियो। You guys will be surprised to hear and watching. Should I reveal? Yeah. I think we should reveal it in a very nice way. Tarak, can we have a camera there? I've been trying to, you know, recognize. I have seen this person somewhere, and turns out that son for her. Ladies and gentlemen. Mahira Khan is sitting right in front of you. अरिजीत सिंह की ये वीडियो वायरल होने के बाद उनकी बहुत तारीफ की जा रही है। लोग इसे कॉन्सर्ट से जुड़े वीडियो लगातार सोशल मीडिया पर पोस्ट कर रहे हैं। उन्होंने अपने शो में कबीरा, तेरे हवाले और वे कमलिया जैसे गाने भी गाए। कॉन्सर्ट के बाद मायरा ने अपने इंस्टाग्राम पर अरिजीत के लिए एक पोस्ट लिखा। उन्होंने शो की कुछ झलकियां शेयर की और कैप्शन में लिखा, मैं यहाँ नहीं होने वाली थी पर शायद ऐसा ही होना था। आप जानते हैं कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। एक खुशी में झूमते प्यार से समाए आर्टिस्ट को परफॉर्म करते हुए देखना कितनी खुशी की बात है, लेकिन उससे भी ज्यादा खूबसूरत है जब आप किसी कलाकार में पोलाइटनेस देखते हैं। वाह अरिजीत। ऐसी तमाम और इंटरटेनमेंट की खबरों के लिए देखते रहिए द नगरी न्यूज़ में शेख द्वारा।